The third identity is 1 plus sec a upon sec a is equal to sin square upon 1 minus cos a. आपको प्रूफ करना है यहाँ पर स्टूडेंट, 1 plus sec a upon sec a is equal to sin square a upon 1 minus cos a. स्टूडेंट अगेन हम RHS से सॉल्व करेंगे, LHS से, LHS लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करते हैं. So 1 plus sec a upon sec a, this is our LHS. I can write this 1 upon sec a plus sec a upon sec a. मैंने यहाँ पर डिनोमिनेटर से अलग अलग कर लिया. So this will become 1 and this is will become 1 upon sec a plus 1. आप जानते हैं 1 अपॉन sec a किसके बराबर होगा, cos a के. सो दिस इज cos a प्लस 1. क्यों? क्योंकि 1 अपॉन sec थीटा इज इक्वल टू होता है cos थीटा के बराबर. नाउ स्टूडेंट अब अगर राइट हैंड साइड पे देखें तो 1 माइनस cos a, 1 माइनस cos a डिनोमिनेटर में, तो यहां पर मैं 1 माइनस cos a के न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कराता हूं. सो मैं यहां पर मल्टीप्लाई कराता हूं cos a प्लस 1 की अपॉन 1 माइनस cos a मल्टीप्लाइडेड बाय 1 प्लस 1 माइनस cos a. दिस इज 1 माइनस cos a से मल्टीप्लाई कराई. नाउ स्टूडेंट सी डिनोमिनेटर में तो 1 माइनस cos a आ गया. नाउ न्यूमरेटर इज 1 प्लस cos a, इसे cos a प्लस 1 को मैं 1 प्लस cos a लिख देता हूं, मल्टीप्लाइडेड बाय 1 माइनस cos a. Now student, again remember a plus b multiplied by a minus b is nothing but a square minus b square, a square minus b square होता है. So मैं वही formula लगाता हूँ. So this will become 1 square minus cos square a upon 1 minus cos a and this will become 1 minus cos square a upon 1 minus cos a. 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए स्टूडेंट होता है साइन स्क्वायर ए के बराबर, इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस, और ये आपका राइट हैंड साइड आ गई. नाउ मूव ऑन द फोर्थ